साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। इस आत्मविश्वास राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों को अब आपको अमृत महोत्सव से भी जोड़ना है। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती हैं क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है? क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं? अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चला रहा है, सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं कोई कोई स्वच्छता का काम करेंगे, गांव में कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं, तालाब, इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं। ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में महीने दो महीने में किसी डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुला करके उनको कहें भाई महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, चौपाल लगाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, वो डॉक्टर एक आकर के घंटे डेढ़ घंटे का भाषण दें, तो आपके सब बहनों को ये भी लाभ होगा, उनके अंदर जागरूकता आएगी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्चर हो सकता है। किसी महीने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं वैसा कहीं बड़ा काम चलता है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। पूरी बस किराए कर पर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती हैं, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं, कोई सोलर प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक का हमने सुना, आप वहां जाकर के जयंती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे कर रहे देख सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में बेकरी का देखा, बिस्टिकर का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती हैं। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, उसके कारण आपकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप अभी कर रही है उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को
लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 करोड़ महिलाओं की सामूहिक शक्ति कितने बड़े परिणाम ला सकती है, देश को कितना आगे ले जा सकती है। मैं तो इन 8 करोड़ माताओं बहनों को कहूंगा, आप ये तय कीजिए, आपके समूह में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, बहुत ज्यादा करने की जरूरत, थोड़ा बहुत, देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था, ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है।